हेलो एंड वेलकम टू अदर व्लॉग। बहुत अरसे के बाद न्यू व्लॉग आ रहा है, जैसे 10-11 महीने के बाद आ रहा है। आज का व्लॉग बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि 10 महीने पहले जो मेरी वाइबियर जिस लुक में थी और अब किस लुक में, बिफोर और आफ्टर। और ये वो चीज़ें जो कोई भी बंदा करवा सकता है, मतलब कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छी चीज़ें, ड्यूरेबल हैं और मज़े की हैं। अब हम दिखाते हैं से बात करते चले तो पहले तो इसके अंदर दिखते के साथ हैंडल पे चीज़ दिखती है, लीवर्स और शीशे। ठीक है, ना ये इतने कोई कॉस्टली होते हैं, ठीक है, ना ये कोई इतने चीप होते हैं। एल्युमिनियम बेल्ट है, दोनों अच्छे लगते हैं। उसके अलावा हेडलाइट्स हम शुरू करते हैं। हेडलाइट के अंदर क्या लगा हुआ है, ये HGG का प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। ये मेरे ख्याल से 40 वॉट लो होती है, 80 वॉट हाई होती है, ठीक है, पंखे के साथ होती है। इसका ब्लास्टर ये रहा। उसके बाद ये HGG की मिनी ड्राइविंग लाइट्स, येलो और वाइट। उसके बाद ये कस्टम मेड लोगो, हल्की मुल्की रैप मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो ये है कार्बन फाइबर रैप हुआ है साइलेंसर को। नंबर प्लेट पे आ जाए तो ब्रैकेट लगा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये शीशे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये कि ब्लू रे शीशे हैं, इसके अंदर आपके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो आंखों में नहीं आती, अच्छे हैं, फिक्स्ड हैं, गिरते गुरते नहीं हैं। एडजस्टेबल लीवर्स हैं, ठीक है, ये सही चीज़ होती है। जो ओरिजिनल होते हैं ना उनमें हाथ थकता है, इनमें थकता नहीं है। उसके बाद एक्सटेंशन बार लगा हुआ है लाइट्स के लिए, जो LED लाइट्स होती हैं उसके लिए। उसके अलावा डिपर के ऑप्शन है, ये डिपर क्या चीज़ है, जो हमारी ये मिनी ड्राइविंग लाइट्स है वो। उसके बाद मिनी ड्राइविंग लाइट्स में दिखाता हूँ, येलो वाइट। हेडलाइट पे आए तो हेडलाइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, अच्छा है, ब्लू कट है, आगे वाले को अंधा नहीं करता। उसके बाद ये एक मीटर लगा हुआ है, इसमें आपको टाइम, टेम्परेचर और बैटरी वोल्टेज दिखता है। ये अभी सही है, लेकिन इसके लिए बटन लाजमी है, वरना ये बैटरी को ड्रेन करता है। अच्छा, इस हेडलाइट में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो चीज़ है ये आपकी बैटरी को ड्रेन नहीं करती, जबकि ये जो चीज़ है ये आपकी बैटरी ड्रेन करेगी। उसके अलावा ये एक चीज़, मैंने इसको पूरे बैंड को यहाँ से लेके यहाँ तक रैप किया हुआ है, कोई इतना 30 मार काम नहीं होता, खुद भी आप घर पे करते हैं, मैंने खुद घर पे बैठ के किया। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो जो निशानात लगे होते हैं वो छुप जाते हैं सारे, शॉपर वगैरह नहीं चिपकता। उसके अलावा अच्छा होता है। उसके बाद इंजन पे अगर हम आते हैं तो इसके अंदर मैंने इरिडियम प्लग लगाया हुआ है, जिसकी वजह से लिटरली इसकी परफॉर्मेंस में फील आता है कि फ़र्क पड़ा है कि पिक किसका अच्छा हो रहा है, करंट ज़्यादा है, पिक अच्छा मिल रहा है। उसके अलावा इसमें इतना कुछ भी नहीं है, स्टिकरिंग है जो आम हर बंदा करवा सकता है, वो इतनी नहीं होती। ये सारी स्टिकरिंग जो है मेरी कस्टम बिल्ड होती है, बाकी यही छोटे मोटे मॉड्स हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी मॉड्स होंगे, लेकिन अब आप करें इसकी जो हेडलाइट्स है उनको इंजॉय। आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी आप भाई को फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।